राज्यसभा चुनाव बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का नामांकन अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे तस्वीरें, विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, अभी कितना और समय जब बीजेपी के दोनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, शुभ मुहूर्त के लिहाज से नामांकन जो है वो तय किया गया है, लगभग 12:15 बजे नामांकन होगा। उससे पहले सभी लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। कई विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन विधानसभा पहुँचे हुए हैं। क्योंकि एक तो ओबीसी समाज से, जो कि घांची तेली समाज है, तो दूसरे आदिवासी समाज से दो चेहरे हैं, तो उन चेहरों के माध्यम से आम उस समाज में एक संदेश देने की कवायद है, इसीलिए उस समाज के लोग भी आए हुए हैं। एक बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विधानसभा पहुंच चुकी है, वो इन दोनों में से एक की प्रस्तावक भी बनेगी। राजेंद्र राठौड़ भी प्रस्तावक, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके अलावा यहाँ पर जोगाराम पटेल जो हैं वो भी प्रस्तावक बन सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सीपी जोशी करीब आधा घंटे पहले आ गए थे। सीपी जोशी ने पूरा जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत भी की है, और जब ये नामांकन भर देंगे उसके बाद सामान्य चर्चा विधानसभा में सभी प्रमुख नेता बैठकर करेंगे। 12:15 बजे का टाइम रखा गया है, और उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बातचीत की थी। ये इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न है कि एक आम कार्यकर्ता को और ऐसे समाज को, जो समाज काफी पीछे है, उस समाजों के लोगों को लिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी समाज वाकई में बहुत पीछे है जी। तो उसे मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिशें की जाती है, राजनीति में आगे लाने की कोशिश की जाती है। तो दूसरी तरफ ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, अनेकानेक जातियां हैं। उन जातियों में घांची तेली साहू जो समाज है वो समाज काफ़ी पीछे है। उस समाज के बहुत कम लोग होंगे जो राजनीति में एक मुकाम हासिल कर पाए होंगे। हालांकि एक बड़ा चेहरा इंटरनेशनली, जिस घर में नरेंद्र मोदी पैदा हुए, वो भी घांची समाज ही है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की जाति अब जाति नहीं रह गई है, क्योंकि वो जब प्रचारक बने थे तो प्रचारक बनने के साथ ही उनकी जाति गौण हो गई थी। कोई भी संघ में जब प्रचारक बन जाता है तो उसका जाति से कोई इत्तेफाक नहीं होता। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो समाज अवश्य खुश दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है। तो उस समाज से मदन राठौड़ को लिया गया है, तो मदन राठौड़ के समाज के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। कुछ देर बाद जब 12:15 बजे नामांकन भर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग बातचीत भी करेंगे, इन सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अलावा उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भी उपस्थिति रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ आ चुकी है, राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, जोगाराम पटेल आ चुके हैं, जोगेश्वर गर्ग आ चुके हैं, कई मंत्री और विधायक विधानसभा में आ चुके हैं जी। ऐश्वर्य, इसके अलावा क्योंकि हमने सुना था राजेंद्र राठौड़ को इससे पहले विधानसभा के बाहर से ही जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मदन राठौड़ को लेकर कि मंडल अध्यक्ष से शुरुआत की, कई बार प्रत्याशी बनने की जद्दोजहद भी की, लेकिन नहीं मिल पाया टिकट, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के लिए निरंतर वो कार्य करते रहे। आज की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो बेहद खास तो रहने वाली है, लेकिन आदिवासी और ओबीसी वर्ग में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कितना ज्यादा फायदा पार्टी को इससे मिल सकता है, और जो मैसेज जाएगा कितना ज्यादा जमीनी कार्यकर्ताओं में बड़ा संदेश वो रहेगा? देखिए, जमीनी कार्यकर्ताओं में संदेश देने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले करती है। एक फैसला ऐसा किया जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा थी। एक क्या वो तीन फैसले थे, राजस्थान के लिहाज से एक फैसला था, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में जब मुख्यमंत्री घोषित किए गए और मुख्यमंत्रियों की टीम में मंत्रियों की घोषणा हुई, तो संभवतया किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब कुछ चेहरे मुख्य धारा में आएंगे, राजनीति की मुख्य धारा में आएंगे, राजनीति में एक मुकाम हासिल करेंगे। तो पार्टी उनको अनवरत देख रही थी, और ये भी तय मान कर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संभवतया उन लीडर्स के लिए भी सोच रखा होगा, जो लीडर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी के लिए जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चेहरे ऐसे ही हैं, दोनों ही समाज ऐसे हैं जिस समाज से इन दोनों ने भी नहीं सोचा होगा। चुन्नीलाल गरासिया, कुछ दिन पहले एक शादी विवाह समारोह था,
एक आरएसएस प्रचारक के परिवार में वहाँ पर मौजूद थे। सामान्य तौर पर सभी से बातचीत हो रही थी, उनको उम्मीद नहीं थी। हालांकि 10 नाम यहाँ से गए थे, 10 नाम भेजे गए थे, उन 10 नामों में इन दोनों का नाम भी था और ये नाम भी आखिरी में थे, दोनों ही नाम आखिरी में थे। दोनों नामों को लेकर एक सिर्फ एक शुरुआत में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव तक सिक्स तक भी आदमी सोच सकता है कि हाँ टॉप प्रायोरिटी के लिहाज से नाम भेजे जाते हैं कि नंबर वन पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये। लेकिन पार्टी अपने लिहाज से सारी चीज़ों की जानकारी जुटाती है और ऐसा नहीं कि पार्टी के पास जानकारी नहीं होती। पार्टी का आला कमान भी पूरी जानकारी रखता है कि कौन सा लीडर किस दायित्व को निभाता रहा है, किस तरीके का लीडर है। आसपास से जाकर फीडबैक भी लिया जाता है, उसके हानि और लाभ भी देखे जाते हैं और उसके बाद फैसला होता है। तो 12:15 का इंतजार है, 12:15 नामांकन भर दिया और मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी ऐश्वर्य, कब तक मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे? देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 12:15 का समय आप ऐश्वर्य बता रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्य जाहिर तौर पर आज की सिर्फ ये तस्वीरें नहीं होंगी बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी कर रही लगातार, लेकिन एक बूस्टर डोज के तौर पर ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं के लिए भी कि आप पार्टी हित में कार्य करते रहिए, पार्टी भी आपका ख्याल जरूर रखेगी। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने को लेकर फोकस है। हालांकि एक सीट को लेकर सामान्य तौर पर जैसे पिछले बार चर्चा चलती थी कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ।